नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेंद्र। आज की कहानी चिल्लाओ मत। एक हिंदू सन्यासी अपने शिष्यों के साथ गंगा नदी के तट पर नहाने पहुंचा। वहां एक ही परिवार के कुछ लोग आपस में कुछ बात करते करते एक दूसरे पर क्रोधित हो उठे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। सन्यासी अधिक तुरंत पलटा और अपने शिष्यों से पूछा, क्रोध में लोग एक दूसरे पर चिल्लाते क्यों हैं? शिष्य कुछ देर सोचते रहे। एक ने उत्तर दिया, क्योंकि हम क्रोध में शांति खो देते हैं इसलिए। पर जब दूसरा व्यक्ति हमारे सामने ही खड़ा है तो भला उस पर चिल्लाने की क्या जरूरत है? जो कहना है वो आप धीमी आवाज में भी तो कह सकते हैं, सन्यासी ने फिर से प्रश्न किया। कुछ और शिष्यों ने उत्तर देने का प्रयास किया पर बाकी लोग संतुष्ट नहीं हुए। आखिर सन्यासी ने समझाया, जब दो लोग आपस में नाराज होते हैं तो उनके दिल एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं और इस अवस्था में वे एक दूसरे को बिना चिल्लाए नहीं सुन सकते। जितना अधिक क्रोधित होंगे उनके बीच की दूरी उतनी ही अधिक हो जाएगी और उन्हें इतनी ही जो तेजी से चिल्लाना पड़ेगा। क्या होता है जब दो लोग प्रेम में होते हैं? तब वे चिल्लाते नहीं बल्कि धीरे धीरे बात करते हैं, क्योंकि उनके दिल करीब होते हैं। उनके बीच की दूरी नाम मात्र की रह जाती है। सन्यासी ने बोलना जारी रखा, और जब वे एक दूसरे को हद से भी अधिक चाहने लगते हैं तो क्या होता है? तब वे बोलते भी नहीं है, वे सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सामने वाले की बात समझ जाते हैं। सो दोस्तों, जब तुम भी किसी के से बात करो तो ये ध्यान रखो कि तुम्हारे हृदय में आपस में दूरी ना हो पाए। तुम ऐसे शब्द मत बोलो जिससे तुम्हारे बीच की दूरी बढ़े, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि ये दूरी इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि तुम्हें लौटने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। इसलिए चर्चा करो, बात करो, लेकिन चिल्लाओ मत। सो दोस्तों, छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।